हम नानी से पूछते हैं, है नानी तू तो कच्ची पीली पक्की पीली बैठे दे हैं? पक्की रम रम प्योण कच्ची नहीं प्योण? तो चले नानी को पक्की पिलाते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और आज मैं अपने गोपेश्वर खेत में हूँ। तो आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे मक्के के पेड़ हुए हैं। मक्के का सीजन भी आ चुका है और इस साल का पहला मक्का खाने को मिलेगा आज हमें। चलिए आज का ब्लॉग बनाते हैं मक्के पे। तो आपको दिखाते हैं अपने खेत के मक्के यानी कि मुंगरी। तो आप देख सकते हैं ये इस साल की नई ताज़ा ताज़ा मुंगरी है। और अभी के शाम के 6 बज रहे हैं और बारिश भी आ चुकी है। जैसे कि 4-5 दिन से बारिश नहीं आ रही थी, ना पानी आ रहा था। और आज हम इनको तोड़ के घर लेके फिर शाम को बॉईल करके, कोई बॉईल करके बनाता है तो कोई गैस में भून के फिर इसमें पीसा नमक लगा के तब खाते हैं। काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो आप देख सकते हैं आधे पेड़ इधर लगे हैं और कुछ पेड़ इधर लगे हैं। यहाँ तो काफ़ी लगे हैं बट अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो अभी हम निकालेंगे इन खेतों से, क्योंकि यहाँ ये पक चुकी है। और अंगूर की बेल आप अभी तक देख रहे होंगे, अंगूर का सीज़न चले गया, अंगूर ख़त्म हो चुके हैं। बट आज मक्का, इस साल का पहला मक्का खाने को मिलेगा। तो चलिए तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद हम इसको पकाने के लिए करते हैं कुछ व्यवस्था। जैसे कि आप देख रहे होंगे अरे यहाँ बंदरों ने तोड़ रखे हैं, क्योंकि दिन में इस गर्मी में बाहर पे तो कोई रहेगा नहीं देखने के लिए। तो बंदरों ने ऐसे हाल कर दिए हैं। ये देखिए आधे, ये देखिए ये खा रखे हैं, आधे पेड़ ये तोड़ रखे हैं। काफ़ी नुकसान, बट चलो कोई नहीं, खाने को नसीब हो जाए इतना भी काफ़ी है। आप देख सकते हैं ऊपर मेरी माता जी अपनी एक्सरसाइज की तैयारी कर रही है। और हम मुंगरी तोड़ेंगे यहाँ से। मुंगरी तोड़ के आज उमाल के, हम उमाल के, मैं तो उमाल के ज़्यादा पसंद करता हूँ कि कुकर में डाला, पानी डाला, उसमें ज़रा सा नमक डाला और उमाल के बड़ी टेस्टी होती है। आप देख सकते हैं मुंगरी के बाद अमरूद का सीज़न भी आ गया है, लग चुके हैं छोटे छोटे अमरूद, आप ये देख सकते हैं। और इस पेड़ की एक ख़ास बात बताऊँ, ये वाले पेड़ इसमें इतने बड़े अमरूद होते हैं, कम से कम आधा आधा किलो के एक अमरूद होते हैं। और ये जो अमरूद का पेड़ है इसमें लाल अमरूद होते हैं और ये वाइट वाले हैं जिनके अंदर से वाइट रहता है, इनके अंदर से रेड रहता है। तो जैसे ही मक्का मुंगरी का सीज़न ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर अमरूद का आ जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं आपको अमरूद दिखाऊँगा कितने बड़े बड़े होते हैं हमारे इस पेड़ पर। एक ही पेड़ है जिसमें इतना बड़ा होता है काफ़ी। चलिए एक और मुंगरी दिखी है मेरे को, ये मुंगरी मैं लेकर आता हूँ। आप ये देख सकते हैं इस मुंगरी को, अभी छोटी है बट इसके अलावा कुछ और, कोई और मुंगरी देखता हूँ मैं, कोई और आज तो मुंगरी खाड़ो गौ वाला और मुंगरी खाड़ा। देखिए आप, यहाँ भी बंदरों ने काफ़ी नुकसान किया है। तो अभी इसमें वी नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं जो ये मुंगरी है काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इसको लेके चलता हूँ मैं। बाकी देखो बंदरों ने ऐसे पेड़ तोड़ तोड़ के यहाँ फेंके हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और वो देखिए वहाँ बीच में भी तोड़ खा के ऐसे फेंके हुए हैं, तो काफ़ी नुकसान। और आज का मौसम देखिए आप, 4-5 दिन बाद ऐसा मौसम दिखने को मिला है गोपेश्वर में। बट ऐसी थोड़ी थोड़ी बारिश आने के कारण उमस भी काफ़ी होती है, ये भी बेकार है। या तो बारिश आए तो फिर आधा एक घंटे के लिए ऐसी बारिश आए, मूसलधार बरखा जे बोलना हम गढ़वाई में, बरखा है तो यमड़े है बागन बागन भेजे, और ऐसा होना नहीं चाहिए, बगने वाला सीन। बट बारिश आ जाए जिससे थोड़ा ठंड हो सके। और ये देखिए आप, काफ़ी अमरूद लगे हैं, ये लाल अमरूद होते हैं, इसमें काफ़ी मीठे होते हैं। और जो इधर वाला है इसमें तो काफ़ी बड़ा अमरूद होता है, आधा आधा किलो के एक अमरूद। ये दोस्तों हमें निकाल दिया मुंगरी, और मुंगरी निकालने के बाद भूख भी काफ़ी लग रही है, ज़रा टेस्ट करते हैं इस साल की पहली मुंगरी। पहले हम भगवान को चढ़ाएंगे, भगवान को चढ़ाने के बाद देखते हैं बॉईल करके बनाती है मम्मी या फिर गैस में भून के। तो एक तो गैस में ऊपर रख के उसमें पीसा नमक लगा के
और नींबू लगा के वैसे भी खाते हैं, पर मेरे को पसंद है कुकर में बॉईल करना, उसमें ज़रा सा नमक डालना और तब खाना। लास्ट में जब मुंगरी खा लेते हैं ना, तो लास्ट में जब मुंगरी का अंदर का बसता है ना, तो उसको चूसने में बहुत मज़ा आता है, पानी निकलता है ना उससे, खट्टा पानी, तो मेरे को अच्छा लगता है। चलो चलते हैं ऊपर, देखते हैं मुंगरी पकाने के बाद हम आपको दिखाते हैं आज साल की पहली मुंगरी सीज़न की 2021 कोरोना टाइम की। चलो आपको मिलते हैं, अगर आप लोगों के घर पे भी हो तो आप लोग भी इसका मज़ा उठाएं, लुफ्त उठाएं ऐसे मौसम में। और आज मौसम बड़ा सुहावना भी हुआ है, काफ़ी मज़ा आएगा आज। भागा मेरी नानी को, आज ये भी इस साल का पहली मुंगरी खाएंगे। बट दांत नहीं नानी, बट खेद हो क्यों नानी, खाड़ो तो सल्ली छे। अब हो ना मौसम है जरा वेगी, खूब हुई हूँ तो बहुत चढ़नी तो देहरादून। हाँ मुंगरी खा दी तू, पहली बताओ दांत दिखो अपना, यही कर यही कर, दिखो ना यही कर, पहले यही कर, यही दिखो, यही कर है कर भाई, कति दांत थे, दी दांत अग्न है बस पेथर को है नहीं छत खान छ, बरखा भी आया है। हमने टाइम पे मुंगरी निकाल दी है और आप देख सकते हैं बारिश का नाम लिया और बारिश फिर से आ गई है। बागड़ में बरखा नहीं होना चाहिए ना बस, बट आपको दिख नहीं रही होगी अभी बारिश, पर आप उस छत में देख सकते हैं हल्की फुल्की स्टार्ट हो चुकी है बारिश। माता जी ने अपनी माता जी के लिए कोई सी मुंगरी निकाली है, निकाली है, है? कोई वह मुंगरी नहीं निकाली। हम नानी से पूछते हैं, है नानी तो कच्ची पीली पक्की पीली बैठे थे हैं? पक्की रम रम प्योण कच्ची नहीं प्योण, तो चले नानी को पक्की पिलाते हैं। चलिए नानी को पक्की देते हैं हम, स्मॉल लार्ज 30 ml 60 ml 30 ml 60 ml, बोल 30 60, बताओ 30 30 के जो हिली नावत एक बार अजी सुनते हो मत बोलना फिर, ई माँ जी ज्यादा हार्ड वे पैक है। पानी डाल ज्यादा हार्ड बनो है, कड़वा तो नहीं हो कड़वू, देख सकते हैं आप पुराने जमाने के लोग हैं, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पैक है। और हमारी पक चुकी है मुंगरी और जो मुझे पसंद था वैसी बनाई है मेरी माँ ने। तो चलिए मुंगरी खाते हैं और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।